हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक अमन में। जैसा कि हम पीछे वीडियो में बात कर रहे थे गूगल एड्स के बारे में, तो आज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है कि गूगल एड्स का ऑब्जेक्टिव कैसे सेट करें, या आप अपने बिजनेस का ऑब्जेक्टिव या गोल्स कैसे सेट करें। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक गूगल एड्स में हमने क्या क्या सीखा। मैंने कीवर्ड्स के बारे में बताया, गूगल एड्स कैंपेन स्ट्रक्चर क्या होता है, गूगल एड्स का कौन कौन से कैंपेन होते हैं, गूगल एड्स के बारे में इंट्रोडक्शन क्या होता है, सारा कुछ बताया मैंने। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि इसका ऑब्जेक्टिव कैसे सेट करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं। तो जब भी हम गूगल एड्स चलाना शुरू करते हैं तो हमें ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना होता है, और ये ऑब्जेक्टिव 8 ऑब्जेक्टिव होते हैं जो आपके बिजनेस को प्रमोट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। बट जब भी हम एड्स चलाते हैं तो सबसे पहला काम जो हमारा होता है ऑब्जेक्टिव या अपना गोल चूज करना। तो हमारे पास 8 गोल होते हैं जब हम गूगल एड की बात करते हैं: सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच, ऐप प्रमोशन, लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशंस, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस। तो अब सबसे पहला गोल है हमारा सेल्स। ये किस केस में यूज होता है? जब भी जैसे हमारा कोई ई कॉमर्स स्टोर है और हम उसका सेल्स बढ़ाना चाहते हैं तो हम इस ऑब्जेक्टिव को चूज करते हैं। सेल्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे प्रोडक्ट को बेचना। जो भी ई कॉमर्स वाले होते हैं वो अधिकतर सेल्स एड चलाते हैं कि लोगों को प्रोडक्ट जो है दिखे और वो वहां से परचेज कर सकते हैं। हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है लीड्स। लीड्स क्या होता है कि लोगों का कॉन्टैक्ट डिटेल, जिसके जो अपने ब्रांड को जिससे हम अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं, लोगों का कॉन्टैक्ट डिटेल निकालना। सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेके बात करता हूँ कि कोई भी एक छोटा मोटा शॉपकीपर है, अगर उसने अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया या अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया या कुछ नया प्रोडक्ट ऐड किया, तो लोगों को बताएगा कैसे? तो लोगों को बताने के लिए अभी उसके पास जो भी कस्टमर्स आते हैं तो ये उसकी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो क्या करेगा कि लोगों का कॉन्टेक्ट डिटेल लेके रखेगा, ताकि जरूरत पड़ने पे हम लोगों से को व्हाट्सअप करें, थ्रू मैसेज या ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये रीड्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और अपने डाटाबेस में जोड़ने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही बिजनेसमैन इसे समझ नहीं पाते। सपोज आप बिजनेसमैन हैं, आपने लोगों के डिटेल्स ले रखे हैं, आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आप ईमेल मार्केटिंग करते हैं उस लीड्स के सहारे, तो आपका प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा बिकेगा और लोगों को अवेयरनेस होगा कि हाँ जी, इस स्टोर पे या ये वेबसाइट पे ये प्रोडक्ट मिलते हैं। तो उसे आप कोई ऑफर चलाते हैं तो लोगों को ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप बता सकते हैं। तो ये लीड्स जो ऑब्जेक्टिव है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें लोगों का डिटेल्स जैसे ईमेल, मोबाइल नंबर, नाम, आप बहुत सारी चीज होते हैं जो बेसिक क्राइटेरिया होता है जो आपको बिजनेस में चाहिए होगा, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें यह करना होता है। तो अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा है वेबसाइट ट्रैफिक। जब भी आप अपना वेबसाइट बनाते हैं तो उस पर ट्रैफिक लाने के लिए हमें इस गोल का चूज करना होता है। ये क्या करता है कि विजिटर, हमारे जो विजिटर है उसको हमारी वेबसाइट तक लेके आता है और लोगों को पता चलता है कि वेबसाइट पे कैसे क्या ये है। तो वेबसाइट गेट क्या कहता है, गेट द राइट टू विजिट योर वेबसाइट। अच्छा, एक और चीज है, मैं सेल्स में, सेल्स क्या कहता है, ड्राइव सेल्स ऑनलाइन इन ऐप, बाय फोन और इन स्टोर। इसमें कैंपेन टाइप क्या क्या हो सकते हैं? सर्च कैंपेन चला सकते हैं, डिस्प्ले कैंपेन चला सकते हैं, शॉपिंग का कैंपेन चला सकते हैं, वीडियो कैंपेन चला सकते हैं, स्मार्ट कैंपेन चला सकते हैं, डिस्कवरी कैंपेन चला सकते हैं। इन सब के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में सारा डिटेल दे दिया है। अब रीड्स की बात करते हैं। रीड्स क्या कहते हैं, गेट रीड्स एंड अदर कन्वर्जन बाय इनकरेजिंग कस्टमर्स टू टेक एक्शन। आपका जो है डिटेल लेना, लोगों का डिटेल निकालना, वो रीड कहलाता है। इसमें हम कौन कौन सा कैंपेन यूज कर सकते हैं, सर्च कैंपेन, डिस्प्ले कैंपेन, शॉपिंग कैंपेन, वीडियो कैंपेन, स्मार्ट कैंपेन और डिस्कवरी कैंपेन।
अब वेबसाइट ट्रैफिक क्या है, गेट डिवाइड पीपल टू विजिट योर वेबसाइट, सही लोगों को अपने वेबसाइट तक लाना। सपोज आपकी क्रिकेट का कोई वेबसाइट बने और उसमें क्रिकेट से रिलेटेड लोगों को जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं उसे लेके आते हो, ये काम वेबसाइट ट्रैफिक ही करेगा। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। इसमें हम कौन कौन से कैंपेन चलाते हैं, सर्च कैंपेन, डिस्प्ले कैंपेन, शॉपिंग कैंपेन, वीडियो कैंपेन और डिस्कवरी कैंपेन। अगला है प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, इनकरेज पीपुल टू एक्सपोज योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। इस कोर्स में क्या होते हैं कि अपने ब्रांड को के बारे में लोगों को बताते हैं, इसमें हमारा प्रोडक्ट और सर्विसेज होता है। अच्छा, इसमें आगे आने वाले में ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच और प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, दोनों सेम ही चीज है बट थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो आइए चलते हैं देखते हैं, पहले दोनों की बात कर लेते हैं उसके बाद आगे बात करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अवेयरनेस एंड रीच, ब्रांड अवेयरनेस क्या कहते हैं, रीच अ ब्रॉड ऑडियंस एंड बिल्ड अवेयरनेस। इसमें कैंपेन कौन कौन से हम चला सकते हैं, डिस्प्ले कैंपेन और वीडियो कैंपेन। अच्छा, आप बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, तो प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन में हम क्या करते हैं ना कि अपने प्रोडक्ट और ब्रांड के बारे में लोगों को बताते हैं, जबकि ब्रांड अवेयरनेस में क्या करते हैं, हम जो बिजनेस कर रहे हैं, दोनों में अंतर समझिएगा, प्रोडक्ट में अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं बट ब्रांड अवेयरनेस में हम क्या बिजनेस कर रहे हैं वो चीजें बताते हैं, तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगला है गोल्स है ऐप प्रमोशन। ऐप प्रमोशन क्या होता है कि आपने सपोज कोई एप्लीकेशन बनाया और उसको लोगों को कहते हैं इंस्टॉल करने के लिए, तो ये यहाँ ऐप प्रमोशन से कर सकते हैं, गेट मोर इंस्टॉल्स इंटरेक्शंस एंड प्री रजिस्ट्रेशन फॉर योर ऐप। आप अपने वेरी ऐप के बारे में बताएंगे और लोगों को इंस्टॉल करने के लिए लोगों से बात करेंगे और आपके ऐप के प्री रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे, तो ये ऐप प्रमोशन में आएगा। इसमें कैंपेन टाइप्स कौन कौन से, सिर्फ ऐप प्रमोशन का ही कर सकते हैं। अब अगला है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशन। सपोज आपने दिल्ली के किसी कोने में कोई रेस्टोरेंट खोला और अगर आप ये ऐड चलाते हैं, अगर ये ऑब्जेक्टिव आपका होता है तो आप जो है लोकल लोगों को अपना ऐड दिखा सकते हैं और अपने ट्रैफिक को, जो लोकल ट्रैफिक है या लोकल कस्टमर है, उसे अपना लोकल स्टोर विजिट करने के लिए कह सकते हैं, इंक्लूडिंग रेस्टोरेंट एंड डीलरशिप, अगर कोई प्रॉपर्टी का भी है तो भी आप कह सकते हैं। कैंपेन टाइप्स क्या, इसमें क्या सेम है, लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशंस। सबसे बड़ी लास्ट है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोस ऑडियंस। इसमें आपको कोई भी गोल चूज नहीं करना होता है, ये ऑटोमेटिक किस तरह का है, तो कहते हैं चूज अ कैंपेन टाइप फर्स्ट विदाउट अ रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन योर ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ये अगर आपको नहीं पता है, तो ये बहुत ही अच्छा है। इसमें आप जैसा आगे आपका ये होगा ये ऑटोमेटिक है, जब हम गोल सेलेक्ट कर लेते हैं तो आगे कैंपेन टाइप की बात आती है। सपोज मैंने सेल्स कर लिया तो ये कैंपेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में बहुत ही अच्छा कि हम गूगल एड्स कैसे बनाएंगे और उसे पहले लोकेशन कैसे सेट करेंगे और लैंग्वेज कैसे सेट करेंगे, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू गाइस, टिल दैट टाइम बाय बाय।